इस पुलाव में और बाकी पुलाव में क्या फ़र्क है? स्पाइसी है, थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब बाहर देखा तो बड़ी मोटरसाइकिल दो दो लगाई हुई हैं आपने, डिनर सेट है, जूसर मशीन है, तो ये सिर्फ दिखावे का है या ये लोगों में जाएगा पुलाव वाले के पास? पुलाव खा रहे हैं, ऐसे पुलाव तो कराची में बहुत सारे हैं, अब मैं किन किन के नाम लूँ, लेकिन अब दरबारे मदीना ने निकाल दिया है अपना पुलाव, तो आप बताएं पुलाव का जायका कैसा है? बहुत जबरदस्त है। बीफ पुलाव अभी जो है मुतारिफ करवाया लोगों को, बछिया का बीफ पुलाव, मतलब भैंस का नहीं, ज़्यादातर लोग क्या होता है भैंस का करते हैं। देखिए भाई, दरबार मदीना ने अब निकाल दिया है दरबारी पुलाव। दरबारी पुलाव का मतलब होता है कि जो पुलाव आपके शाही खानदानों में खाए जाते हैं, कराची के अंदर वैसे भी पुलाव बड़े मशहूर हैं, कभी कौन सा पुलाव कभी कौन सा पुलाव, लेकिन अब आ गया है दरबारी पुलाव। दरबारी मदीना रेस्टोरेंट के अंदर आ गया है दरबारी पुलाव। पुलाव के बाद इस पुलाव का पूरा रिव्यू लेंगे, इसके अलावा ऑनर से बात भी करते हैं कि यार आप तो पहले 140 किस्म के खाने बेचते थे, लेकिन अब आपने पुलाव भी मुतारिफ़ करवा दिया, इसके अलावा कढ़ाई भी है आपके पास, बारबेक्यू है, उसके अलावा फ़ास्ट फूड है, बहुत सारे आइटम हैं इनके पास, तो पूरे आइटम्स को और ख़ास करके दरबारी पुलाव को एक्सप्लोर करते हैं, तो चलिए हमारे साथ। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इस वक्त फ़ास्ट फूड के साथ पुलाव भी खा रहे हैं, तो अक्सर अमूमन हम देखा था कि दरबार मदीना रेस्टोरेंट के अंदर पुलाव का नाम निशान नहीं था, लेकिन अब पुलाव भी आ गया। भाई से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, अभी आप पुलाव खा रहे हैं, ऐसे पुलाव तो कराची में बहुत सारे हैं, अब मैं किन किन के नाम लूँ, लेकिन अब दरबार मदीना ने निकाल दिया है अपना पुलाव, तो आप बताएं पुलाव का जायका कैसा है? बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। आपने कराची में और पुलाव खाए? जी बिल्कुल खाए। इस पुलाव में और बाकी पुलाव में क्या फ़र्क है? स्पाइसी है, थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब कुछ चेंज है, कुछ चेंज है। देखिए भाई, कुछ चेंजिंग आई है इस पुलाव के अंदर, तो अभी ऑनर से बात भी करते हैं और फिर खा के भी मौजूद हैं दरबार मदीना के रेस्टोरेंट के ऑनर। मुझे बताएं काशान भाई, पहले भी हम आए थे, हमने खाना खाया था, लेकिन जब तो पुलाव का कोई नामो निशान नहीं था, अब तो आपने मतलब पुलाव भी दरबारी पुलाव के नाम से आपने एक नया निकाल दिया, मुतारफ़ करवा दिया, तो ये क्या चक्कर है सब? सर दरअसल जो है हमने बीफ पुलाव अभी जो है मुतारफ़ करवाया लोगों को, बछिया का बीफ पुलाव, मतलब भैंस का नहीं, ज़्यादातर लोग क्या होता है भैंस का करते हैं, तो हमने जो है अभी 120 रुपये पाव रखा है, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस रखी है, और उसके ऊपर जो है इनाम भी रखे हैं। सीनियर है कि आप आएँ, एक पाव पुलाव ख़रीदें और दो पर्ची मिलती हैं, एक आप घर ले जाएंगे और एक आप बॉक्स में डाल देंगे, तो हर संडे को कुरानंदाजी होगी, क्या नाम है, नेक्स्ट संडे से हर संडे कुरानंदाजी होगी, उसमें बाइक शामिल है, जूसर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, स्टडी है जैसे, और मोबाइल फ़ोन्स हैं, और बहुत सारे आइटम्स हैं, तो ये भी हमने स्टार्ट किया। सर जब भी मैंने बाहर देखा तो बड़ी मोटरसाइकिल दो दो लगाई हुई हैं आपने, डिनर सेट है, जूसर मशीन है, तो ये सिर्फ दिखावे का है या ये लोगों में जाएगा पुलाव वाले के पास? नहीं सर बिल्कुल इंशाल्लाह जाएगा, ये लगाया इसलिए कि लोग आएँ, पुलाव भी हमारा टेस्ट करें, और जब आप खाएँगे पता चलेगा, और बाकी जो इनाम भी इंशाल्लाह सबको मिलेंगे, कुरानंदाजी के थ्रू मिलेंगे। तो अभी आप का जो पुलाव है उसका रेट वगैरह क्या है और यहाँ का जो एड्रेस है? मैं तो खैर अपना उसमें बता दूंगा खाऊंगा, तो फिर भी आप भी ज़रा यहाँ का डिफाइन कर दें, जो नए लोग होते हैं उनको ज़रा आने में दुश्वारी पेश ना हो। अच्छा, रेट जो है हमारा 120 रुपये पाव है, और जो एड्रेस है हमारा R38 सेक्टर 582 नॉर्थ कराची। अच्छा, यहाँ 4K चुरंगी है करीब में, वहाँ देखिए 4K चुरंगी करीब है, और इन्होंने अभी बोला है कि आप ख़ुद बताएँगे कि इसका जायका कैसा है, हम नहीं बता रहे अपना इसका जायका कैसा है, तो चलें अब खा के भी ट्राई करते हैं। वही देखें, दरबार मदीना के अंदर हो गया है इतना बड़ा दरबारी निज़ाम, और जैसे कि हम हमेशा खाते थे खाना इनका, कढ़ाई, कोरमा, नहरी, लेकिन अब इन्होंने मुतारिफ़ कराया है ये पुलाव। ये देखें कैमरामैन दिखाए ज़रा कि अब दरबार मदीना रेस्टोरेंट के अंदर आ गया है दरबारी पुलाव, इसको हम टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं कि इसका जायका कैसा है, क्योंकि हमने पुलाव तो काफ़ी खाए हैं कराची के अंदर, आज हम खाते हैं दरबारी पुलाव। बिस्मिल्लाह।
भाई बात है, मैं कह रहा हूँ कि इनके पुलाव के अंदर कुछ डिफरेंट है। अमूमन हमने बहुत सारे पुलाव खाए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इनके पुलाव की खासियत ये है, इनके चावल बड़े प्यारे हैं। दूसरी बात है कि जो इसकी जो मसाले हैं उसके अंदर बड़ा प्यारा एक वो दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अमूमन आपने देखा गर्म मसाले ज़्यादा होते हैं पुलाव के अंदर, लेकिन ये मसाला बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा देखिए काफ़ी डिशेज़ हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मैं ट्राई करता हूँ निहारी को, क्योंकि इनकी निहारी बड़ी मशहूर है। देखिए निहारी हमने बड़ी खाई है, जावेद की भी खाई है, जुम्मा गुजर भी खाया है, तो आज हम खाते हैं दरबार मंदिर की निहारी। वाह भाई वाह, ये देखा आप भाई, निहारी में भी दम है और बाकी देखें जिंगर रखा हुआ है, टिक्का है, बोटी रखी हुई है, तो क्यों ना हम बोटी को भी ट्राई कर लेते हैं पराठे के साथ। क्योंकि ये आइटम जो होता है ना, ये हर किसी का अच्छा नहीं होता, कोई कोई ऐसा होता है जो बोटी में जायका डाल पाता है। मैं कह रहा हूँ ये जो चिकन है इसका जो इसकी जो गरासत देखें आप, इतना गला हुआ है ये, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे इसका जो टेस्ट है वो बड़ा शानदार है। बाकी अमूमन हर चीज़ अच्छी है, देखिए कबाब भी है, अब मैं इतनी सारी चीज़ें खाऊँगा मुँह में जायका चेंज हो जाएगा। मेन चीज़ थी ये दरबारी पुलाव, अब आ गया है कराची के अंदर बढ़ के। अब मैं आपको जगह बताऊँ कि मैं किस जगह मौजूद हूँ। ये है बिल्कुल नॉर्थ कराची, आगे फोर के चौरंगी है, फोर के चौरंगी का ग्रीन बस का स्टाफ है, उसके बिल्कुल सामने दरबार मदीना रेस्टोरेंट, बड़ा मशहूर है, बड़ी बिल्डिंग है, आपको दूर से नज़र आ जाएगा, और ये पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई है। आपको अगर यहाँ पर आना हो, सिंपल सी लोकेशन है, आप आराम से नॉर्थ कराची पाओ, अपना फोर के चौरंगी बड़ी मशहूर है। फोर के चौरंगी से थोड़ा सा पहले आप देखेंगे सामने ग्रीन बस का स्टाफ, उसके बिल्कुल सामने दरबार मदीना रेस्टोरेंट, और अब पुलाव भी आ गया। वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो चलते फिरते को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के ऊपर ये शेयर करें, ताकि यहाँ का जायका, यहाँ का मयार, मैं कह रहा हूँ आम कराची के अंदर काफ़ी जगहें हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। खाना ले लें, निहारी ले लें, कढ़ाई ले लें, इसके अलावा कबाब ले लें, इनका जिंगर, बारबेक्यू, ओवरऑल। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, अपना ख्याल बहुत सारा रखिएगा। अल्लाह।